दोस्तों, फिल्म संगीत को हमेशा अपने दिल में संजोए रखने वाले हमारे सारे रसिक दर्शकों का बालाजी क्रिएटर्स की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े लंबे अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और हमारी भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली और सबसे ज़्यादा गाने देने वाली मशहूर और मारूफ संगीतकार जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी। आज के इस प्रोग्राम में हम उनके कुछ गिने चुने गीत आपको सुनाएंगे। इसके पीछे विचार ये है कि उनके संगीत पटल को किसी एक फहरिस्त में बांधकर पेश करना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए सहज याद आने वाले कुछ नगमे आज के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। लेकिन उनकी गुणवत्ता के बारे में आप में से किसी के मन में बिल्कुल संदेह नहीं होगा। हर गीत की एक सुंदर ऑर्केस्ट्रेशन आज के इस प्रोग्राम की शान रहेगी। आप सभी जानते हैं कि पियानो से लेकर अकॉर्डियन तक और सैक्सोफोन ट्रम्पेट से लेकर शहनाई तक और ढोलक से लेकर घुंघरू खंजीरी और खटम तक हर साज का संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने सही जगह पर और बहुत सटीक इस्तेमाल किया है और इसका आनंद आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। आप जानते हैं कि उनकी सारी तर्जें आम भी है और ख़ास भी है। थोड़ी सी शोरगुल तो हो जाएगी लेकिन मैं आपको प्रोग्राम की ओर खींचने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कुछ गीतों के साथ उनके ही समकालीन ट्रेंड सेटर संगीतकार आरडी बर्मन जी के भी कुछ गीत इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि फिल्म संगीत की दुनिया में आने वाला हर नया राही पंचमदा को यानी कि आरडी बर्मन जी को अपना गुरु मानकर चला है और ये बात सही है क्योंकि हर तरह के संगीत की अवेरी देकर उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को विश्व संगीत की दहलीज पर बड़ी सहजता से लाकर खड़ा कर दिया और विश्व संगीत के मंच पर आरडी बर्मनदा की तुलना हमेशा दिग्गज संगीतज्ञ शूबर्ट के साथ की जाती है। तो ऐसे संगीतकार और उनकी रचनाओं पर हमें नाज है। हम सभी जानते हैं कि इस गीतों की तर्जों की अमीरी के साथ साथ साजों की अमीरी और तरह तरह के साउंड्स की अमीरी उनके गीतों में हम अनुभव करते हैं। महफिल को गिरफ्त में लेने वाले हमारे सारे कलाकार आलोक काटदरे, संपदा गोस्वामी, सर्वेश मिश्रा, नानू गुजर और बालाजी के संगीत मंच पर पहली बार पधार रहे हैं समीर और दीप्ति, तालियों की जोरदार गूंज के साथ सबकी हौसला अफजाई करिए। तो बस जैसा कि मैंने कहा कि बेहतरीन रचनाओं का इंतखाब बाकमाल साजिंदे सुरीले गुलूकार, एक खुशनुमा सुकून भरी शाम पहला गीत जिसके लिए नानू गुजर जी और सर्वेश मिश्रा जी दोनों को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। 1980 की फिल्म आशा, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नरेंद्र चंचल और रफ़ी साहब, आइए प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाइए। तालियों की एक गूंज के साथ आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। साची जोतों वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। जोता वाली ये पहाड़ा वाली ये तो मेहरा शेरा वाली।
पथ लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। मांगे सब पाया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली। ओ मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली। ओ जोता वाली ये, पहाड़ा वाली ये, ओ मेहरा वाली ये, मुझे बुलाया शेरावालिए। मैं आया शेरावालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, ओ कष्ट निवारे जय माता दी, ओ पार उतारे जय माता दी, देवी माँ भोली भर दे झोली, दर्शन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, क्या समा बन गया। आइए आगे चलते हैं। दिलों को बांध कर रखने वाला अगला गीत 1977 से इसने हमें बांध कर रखा है। ब्रास की अमीरी, जैज के सुर और तीसरे अंतरे में आशा जी की हमिंग इस गीत के गहने हैं। और इस किशोरदा के गाए इस गीत की शुरुआत होती है जॉर्ज फर्नांडिस जी के बजाए ट्रम्पेट से। आज हमारे यहाँ किशोर सोढ़ा जी है, तो आप सभी उत्सुकता से इस गीत की राह देख रहे होंगे। हम किसी से कम नहीं, का मजरूह साहब का लिखा, आर डी बरमंदा का संगीत बद्ध किया, ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए हम आलोक जी को आमंत्रित करते हैं। आलोक जी आइए।
हसीनो लो मैं आ गया है बचना हसीनो लो मैं आ गया हुस्न का दुश्मन अपनी अदा के यारों से जुट है बचना है हसीनो लो मैं आ गया है बचना है हसीनो लो मैं आ गया हुस्न का दुश्मन अपनी अदा के यारों से जुटा बचना है हसीनो लो मैं आ गया सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा बचना है हसीनो आलोक आ गया हसीनो लो मैं आ गया है बचना है हसीनो लो मैं आ गया है हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा आगे चलती हूँ दोस्तों। हाँ, इसमें इस गीत में आपने वो डेढ़ कार की बैटरी सी आवाज़ सुनी, वो केरसी लॉर्ड जी का कमाल था और उनका मिनी मूक सिंथेसाइजर था उस पर वो आवाज़ निकाली थी। वैसे बहुत सारी बातें हैं लेकिन हर बार वो कह नहीं सकते। आगे बढ़ती हूँ। लता जी के स्वर्गीय सुरों ने बहुत सारे संगीतकारों के करियर को संवारा, लेकिन आगे आने वाला गाना और ऐसे गाने जब हम सुनते हैं तो हमें ये एहसास हो जाता है कि लता जी ने न केवल इन संगीतकारों को संवारा लेकिन हमारी ज़िंदगी को भी उनके गीतों ने संवारा है और उम्र भर ता उम्र हमारी साथ दी है और देती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक अजर अमर गीत है राग अहिर भैरव में निबद्ध। प्यार का एक लम्हा जीने का सौभाग्य जिन्हें मिलता है वो जीवन की संपूर्णता का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाली मृत्यु का अंदेशा उन्हें ज़रूर मिलता है लेकिन उनसे उनका जी नहीं घबराता। जिसने दो दिल मिलवाए उस पहली नज़र को सलाम। लता जी के गले से निकला हर सुर अजूबा होता है, उस अजूबे को सलाम। और जिसने ऐसे बेहतरीन शब्द लिखे उस कविराज को यानी कि आनंद बख्शी साहब को सलाम। और जैसा कि मैंने कहा कि अहिर भैरव में निबद्ध ये बहुत सुंदर तर्ज जिन्होंने बनाई
संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की प्रतिभा को भी सलाम। 1981 की एक दूजे के लिए का ये गीत आप सब पसंद करते हैं। लता जी का गाया ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए संपदा जी। कोशिश करके देख ले दरिया सारे बुझती है हर चिंगारी। सोना बरस की
अगला गीत 60 सेकंड्स का आरंभ संगीत है और उसमें 20 सेकंड्स के गिटार का सम्मोहन, और रफ़ी साहब की आवाज़ में इतना ऑसम टेक ऑफ है कि ऐसा टेक ऑफ हर गीत में हमें अनुभव करने नहीं मिलता। खैर, गीत तो आप अभी अभी पहचान ही जाओगे, बेस गिटार और एकॉस्टिक गिटार के रिदम के सिंक्रोनाइजेशन से आगे बढ़ने वाला ये गीत, जिसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे गोरख शर्मा जी के। और इसमें फिलर का काम इलेक्ट्रिक गिटार ने किया है, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स का जादू तो कैसा चलेगा, इसकी थोड़ी सी झलक तो अब मिल ही रही है आपको। खैर, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर इंटरल्यूड का म्यूज़िक तो अलग है, लेकिन तीसरा जो इंटरल्यूड है ना, उसमें सिम्फनी स्टाइल वायलिन बजी है। तो आइए 1968 नाइट इन लंदन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी और रफ़ी, यानी कि हमारा बर्म्यूडा ट्रायंगल, और आपके सामने इस गीत को पेश करने के लिए तालियों के गूंज के साथ सर्वेश जी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, देख कर तेरी तरफ बहार आज हो रही है बेकरार, छू रहे हैं फूलियों तुझे जैसे हो इन्हें भी तुझसे प्यार, ये हो न जा ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, ऐ मेरे हसीन दिल रुबा मेरे दिल में छुप के बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ तू खो न जा माय लव। नजर न लग
जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा ओ माय लव। दोस्तों, गोवन संगीत शैली, गोवन शादी का वातावरण जो ठहरा, रैविशिंग डिंपल कपाड़िया, कमल हासन साहब के अटपटे लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल डांसिंग स्टेप्स, फिल्म सागर का जावेद अख्तर साहब का लिखा, आर डी बर्मंदा के संगीतबद्ध किया ये गीत हम आपको ज़रूर सुना रहे हैं, जो आशा जी और पद्म विभूषण एस पी बालसुब्रमण्यम जी का गाया है। और इस गीत के जरिए बालाजी क्रिएटर्स एसपी बालसुब्रमण्यम जी को भावभीनी आदरांजलि समर्पित करना चाहता है। और अब मैं ये कहूँगी कि आर डी बर्मंदा की काफ़ी सारी तर्जें जो है वो प्रेरित भी हैं। अब जैसे कि ये ओ मारिया गाना, 1985 की सागर फिल्म का ये गाना, पॉल मैकटनी के ममूनिया इस तर्ज से प्रभावित है। लेकिन आर डी बर्मन जी की प्रतिभा ये यहाँ आती है कि वो उसको इतना नया प्रारूप देते हैं कि वो अपना गाना बन जाता है, जिसके लिए हमें उनके ऋणायित रहना चाहिए, उनके ऋण में रहना चाहिए। समीर बालाजी क्रिएटर्स के इस मंच पर पहली बार पधार रहे हैं एसपी बालाजी की आवाज़ के लिए। कहा था ये बता, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो हो। अनजानी जब बुलाता तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। क्या तू चुप होली थी, मैं मी से
पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी। हाँ ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो 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 ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया जॉनी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे जो सर्दी के रातें, बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो हो, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो हो, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो हो हो, ओ मारिया ओ मारिया। किसी गीत की शुरुआत आपने चीख से सुनी है कभी? हाँ, लेकिन अगला जो गीत है उसकी शुरुआत चीख से होती है। इलेक्ट्रिक गिटार, मादल, डुग्गी, फिर एक प्रेग्नेंट सा पॉज आता है जैसे बिल्कुल अंधेरा छाया हो, और फिर तेज रिदम की शुरुआत हो जाती है। सैक्सोफोन, ब्रास, इलेक्ट्रिक गिटार, साइड पर्कशन, वाह पेडल, फीमेल कोरस, आशा जी की आवाज़, फिर रिदम बढ़ जाता है, रिदम गिटार शुरू हो जाती है, स्ट्रिंग वॉयलिन, तुम्बा, ड्रम रोल्स और किशोरदा की आवाज़। ये सब मैंने इसलिए कहा कि हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, भाव के साथ हम तेज़ी से बहने लगते हैं। आर डी बर्मन एट द पीक, लेकर हम दीवाना दिल। कर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, कहीं तो प्यारे किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे हो जाले, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं।
किसी को प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे हो जाल लेकर हम लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तो लेकर हम ज़िंदगी से बाहर जाते वक्त हम कभी कभी इजाज़त नहीं ले पाते, लेकिन ज़िंदगी का नया पन्ना निकालते समय या उठाते समय हमें ज़रूर इजाज़त लेनी चाहिए। इसीलिए फिल्म इजाज़त का वो वाक्य आपको याद है आखिरी, कि उस वक्त इजाज़त नहीं ली थी, आज इजाज़त लेना चाहूँगी। तो इस तरीके का भरी महफिल में तन्हा करने वाला फिल्म इजाज़त का गीत अब आप सुनेंगे। क्या होता है कि फिल्म इजाज़त एक पूर्ण कविता है जिसे अकेले बैठकर ही महसूस करना चाहिए, क्योंकि दिल हथेली पर लेकर जीने वाले तीन लोगों के, तीन संवेदनशील लोगों की एक कथा है। खैर, एक बार सुबह सवेरे एक मुक्त छंदात्मक कविता लाकर गुलजार साहब ने पंचमदा को दी थी और उसे पढ़कर वो उकता से गए थे। उन्होंने वो किनारे कर रखा कागज़ का टुकड़ा और कहने लगे कि कल तुम मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार दोगे और एडिटोरियल की तर्ज बांधने के लिए कहोगे, ये तो मैं वैसा करूँगा नहीं। गुलजार जी सिर्फ हंसे, लेकिन आशा जी वहीं बैठी थी तो उन्होंने सहज जिज्ञासा से वो कागज़ उठाया, पढ़ा और वो गुनगुनाने लगी और वही उनका गुनगुनाना इस तर्ज का बीज बन गई। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी की दी गई चीज़ें हम ज़रूर लौटा सकते हैं, लेकिन किसी अजीज़ दोस्त के साथ बिताए कुछ सुंदर लम्हे हम जिंदगी में कभी लौटा सकेंगे क्या? बस यही सवाल पूछता है ये गीत, जिसे गाने के लिए आपके सम्मुख पेश हो रही हैं दीप्ति जी। तालियों की गूंज के साथ हमारी इस नई गायिका का हम स्वागत करते हैं। और बालाजी क्रिएटर्स ने ये हमेशा गौर किया है कि एक न एक नए कलाकार को वो अपने मंच पर सुप्रतिष्ठित करेंगे। तो बस दीप्ति जी, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है। भीगे भीगे दिन रखे हैं
प्रतिभाशाली पागल यार दोस्त अपने सही मिजाज पर उतर आते हैं तो एक अव्वल दर्जे की पागलपंती बन जाती है। बस उस पागलपंती की ओर ही हम जा रहे हैं। वैसे इस पागलपंती में, इस पागलपन में एक बड़े सज्जन से कविराज और एक बड़े सज्जन से गायक भी शामिल हो जाते हैं। कुछ कुछ तो आपने ज़रूर पहचाना है। खैर, संगीतकार को भी न्योता दिया जाता है अभिनेता बनने का, लेकिन वो नकार देते हैं और 12 घंटे की मशक्कत से बहुत कुछ हो जाता है। 3-4 गानों को मरोड़ दिया जाता है और एक बहुत सुंदर पैरोडी सी बन जाती है। आइए मिलते हैं संगीत धुरंधर मास्टर पिल्ले साहब को, अकल से भोले भोले को, और चटपटी तेज तर्रार बिंदु को, पान बहादुर विद्यापति जी को और उनके ऑसम प्लेबैक को। पड़ोसन का ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए
आलोक और सर्वेश जी पधार रहे हैं। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह पुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे, चतुर नार करके सिंगार, परसा गगन निसा तारे सदतप, पता तारे गगन सदतप करके सिंगार। धाम अरे धाम, अरे धाम धाम तू रुक, ब्रुम ब्रुम एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने जाल में फसत जात, हम हसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों छिरे, तू क्यों गोरी ध्यान धरे, कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी, अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा, सुर मिल गए जी। चतुर नार हम चढ़ गए जी, चतुर नार हम पकड़ के रख गए जी, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया बारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, टेढ़ा 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 चंदनिया, वो हर चप
तेरी चतुराई कोड़े देखी तेरी चतुराई कोड़े देखी तेरी चतुराई ओए चतुर नार अयो गड़े तेरे ओए चतुर नार अयो गड़े तेरे ओए चतुर नार गोड़े देखी तेरी ओए चतुर नार गोड़े देखी तेरी को चतुर नार गोड़े क्या गाड़ा चतुर चतुर या गाड़ा या गाड़ा चतुर गाड़ा चतुर क्या रे गाड़ा चतुर गाड़ा चतुर एक परे नहीं है गाड़ा बोलने है चतुर बोल गा यक चतुर नार करके सिंगार यक चतुर नार बड़ी होशियार फिर मन के बाद ये घुसत जात अपने ही जान में फसत जात हम मरत जात अरे आय 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 यक चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जान के द्वार हम हसत जात हसत जात हसत जात हम मरत जात हसत जात हम मरत जात यारे नबी की फिल्म खुदा गवाह आइए पहली बार सराउंड साउंड टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो उसका वो गाना लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज साहब का गाया तो मुझे कबूल जिसे पेश करने के लिए फिर से एक बार सर्वेश जी को तो बुलाना ही पड़ेगा और साथ में संपदा जी को Bye.
हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुलाम। सॉफ्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनंद बख्शी। अगला गीत पे इसी जोड़ी का है, इसी तिकड़ी का है, पुनर्जन्म और प्रतिशोध की आकर्षक कहानी जो अपनी अनोखी सांगीतिक ट्रीटमेंट की बदौलत एक कल्ट फिल्म बन जाती है। ये एक पूरी स्टोरी टेलिंग वाला गाना है। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था जब आशा जी और किशोरदा ये गाते हैं, तो लय और ताल पर उनकी जो हुकूमत है उसका परिचय मिलता है। आगे तो बहुत सारी बातें हैं कि वो गिटार की धुन जो रिक्रिएट की जाती है उस खूनी स्त्री के लिए, और धोखा 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 वाला कोरस। आइए सभी चीज़ों का आनंद उठाते हैं 1980 की फिल्म कर्ज, और आपके सामने पेश करने के लिए आते हैं आलोक और फिर से एक बार दीप्ति। इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद, याद याद मुझको आया है ऐसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा दे के नाम इश्क किया बदनाम। यही है साईमान कहानी प्यार की, किसी ने जान दी, किसी ने जान ली। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था,
एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे फिर मोहब्बत हुई La 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 la
अगला गीत जिसके लिए किशोर दा ने कहा था कि ये गीत ऐसा है कि जिसे सुनकर मुर्दा भी जाग जाए, तो वही गीत सुनाने के लिए मैं संपदा जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। ऑफकोर्स इट्स आर डी बर्मन एंड आनंद बख्शी अगेन। देवानंद साहब की जीवनी आपने पढ़ी होगी, रोमांसिंग विथ लाइफ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, जिसमें जसबीर जैनिस नाम की एक लड़की की जो सेल्यूलॉइड कथा हमने देखी, उसका नाम था हरे राम हरे कृष्ण, और उसी का वो गाना जो हम सब सुनना चाहेंगे। लेकिन लता जी को भी याद करते हैं, क्योंकि पहले लता जी और उषा उथुप जी इस गीत को अंजाम दिलाने वाले थे, लेकिन फिर गुड और बैड दोनों करेक्टर्स आशा जी के वर्सटाइल आवाज़ में हमारे बीच आ गए, और उषा उथुप जी सिर्फ कोरस लीड तक रह गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपनी आवाज़ से आसमान भर दिया। अब इसका जो अट्रैक्टिव प्रिल्यूड है, उसके लिए भूपिंदर सिंह जी को भी हमें बिल्कुल याद भी करना चाहिए, वाहवा भी करना चाहिए। Drama।
74 की फिल्म दोस्त का ये गीत है। हम अगर जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं दोस्त। रेल की सीटी जब जब बजती है हमें यही बताने की कोशिश करती है। दोस्त का टाइटल ट्रैक सुनने वाले हैं हम लोग। गाड़ी की सीटी, रेलगाड़ी की धधक, रेल की पटरियों की आवाज़, वॉयलिन और ट्रम्पेट के शोर से सजी LP जोड़ी की बेहतरीन धुन सुनते हैं। रेल की पटरियाँ सीटी बजाती रेल जीवन का प्रतीक है। रास्ता निरंतर है, हम राहगीर है। Hats off to Anand Bakshi for these beautiful words. Kishore Da और Anand Bakshi दोनों को फिल्मफेयर सम्मान से नवाजा गया था इस गीत के लिए। फादर फ्रांसिस और मानव की जोड़ी, और मानव और गोपी की जोड़ी, आइए ये गीत आपको सुनाने के लिए आलोक जी आ रहे हैं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेल। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेल। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले यादें मिटा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही जा रही है।
देखो रे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो रे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गार ही है नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोच न पा दिन है तेरा, सिग्नल हुआ के निकली, देखो जा रही है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अगले पायदान पर जो गीत आपसे रूबरू हो रहा है उसमें हम अपनी संकल्पना से थोड़े हट के जा रहे हैं, क्योंकि अगला जो गीत है वो दिलीप ताहिर साहब का लिखा और राम लक्ष्मण जी का संगीतबद्ध किया है, लेकिन हमने वहाँ लिखा था कि LP, RD एंड मोर, एंड देर आर सम रीजंस फॉर इट। एक तो ये कारण है कि 1991 की फिल्म है 100 डेज, और ये स्पेशली ये गीत ये हर गली हर कूचे से सुनाई देता था, बिल्कुल श्रवणीय गीत, और पद्म विभूषण SP बालसुब्रमण्यम जी की आवाज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब तक बिल्कुल सेटल हो चुकी थी और हम उनसे अधिकाधिक अपेक्षा कर रहे थे। दूसरा कारण ये है कि कोरोना की बीमारी ने हमसे हमारे दोनों मूल्यवान रत्न छीन लिए हैं, एक पद्म विभूषण SP बालसुब्रमण्यम और दूसरी भारत रत्न लता मंगेशकर, और जो गीत प्रस्तुत होने जा रहा है उसमें दोनों की आवाज़ें हैं। मुझे एक लाइव प्रोग्राम की याद है जहाँ SP बालसुब्रमण्यम जी पहले मंच पर आ चुके थे और लता जी बाद में आई, जैसे ही लता जी मंच पर पधारी तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उनके पैर छुए, तो एक विनम्रता और प्रतिभा दोनों चीज़ें जब साथ हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति आदर का भाजन बन जाता है जो SP बालसुब्रमण्यम थे। और राम लक्ष्मण जी के बारे में चूँकि ये पहला गाना हम यहाँ ले रहे हैं, ही वॉज अ पियानिस्ट एंड एकॉर्डियन भी बहुत सुंदर बजाते थे, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए फिर से एक बार समीर और संपदा। सुन बिलिया शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी, अरे सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी, तू करे तो सारी जवानी, हो तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। सुन बिलिया
बार आरडी बरमंदा की ओर बढ़ते हैं कि पंचमदा ने फिल्म इंडस्ट्री को अनेकानेक साजों से परिचित कर दिया, जैसे कि स्पेनिश गिटार, मादल, फ्लेंजर, कोकिरो या कोकिरिको, रिकॉर्डर फ्लूट, बेस गिटार। और बेस गिटार का उपयोजन उन्होंने जिस फिल्म से किया, जिस युग से किया, 1970 से किया, और उन्होंने युवा पीढ़ी को सम्मोहित कर दिया। आइए उस गीत को, गीत की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। एक ऐसा अफलातून गीत जिसमें होमी मुल्लन साहब ने कोकिरो या कोकिरे को वो साज बजाया है, मनोहारी दा हमेशा की तरह सैक्सोफोन, कावस लॉर्ड बोंगो और बरजोर लॉर्ड ड्रम्स और वाइब्रोफोन जैसे ऐसे चुनिंदा दिग्गज कलाकार इसमें शामिल थे। आप सब ये गीत बहुत पसंद करते हैं, इसकी बार बार फरमाइश करते हैं। 1970 की फिल्म द ट्रेन, आनंद बख्शी, आर डी बर्मन और मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ सर्वेश जी पधारेंगे ये गीत आपको सुनाने के लिए, गुलाबी आँखें। La 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी
शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल दुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैन हू न्यू टू मच, इस बिल्कुल पॉपुलर हिचकॉक फिल्म पर आधारित हमारी 1974 की फिल्म थी बेनाम, और उसमें आरडी बर्मंदा ने एक ईश्वर से तद्रूप होने वाला गाना दिया है हमें, जिसे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है और नरेंद्र चंचल जी ने गाया है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि हम जब कभी यात्रा पर निकलते हैं, कभी केदारनाथ, चारधाम यात्रा, मानस सरोवर की यात्रा, तब बर्फीली वादियों से गुजरते हैं, तब नरेंद्र चंचल जी के गीत हमें बिल्कुल याद आते हैं। ये गाना उसी तरीके का है, यारा हो यारा, और उसके लिए तालियों की गूंज के साथ मैं नानो गुजर जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। यारा ओ यारा
मुझ में तमाम तेरा है, सब मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया, मैं बेनाम हो गया। यारा यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम। ऐसा गाया कि मन करता है बार बार सुनने को, जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी मर्यादा है इसलिए आगे बढ़ रही हूँ। अगला भी आप बहुत पसंद करेंगे, वो एकदम करल संगीत लगा। अच्छा, फिर मैं कौन होती हूँ वो आधा राज की बात छोड़ दीजिए। नानू जी आइए यहाँ। I'm
अगला गाना भी उसी तरह है। रेशमा जी की आवाज़ बिल्कुल मीठी छुरी तीर से अपने हृदय तक पहुंचती है और उनकी आवाज़ में जो एक उदासी का आलम है और दार्शनिकता सब मिलकर रेशमा जी का खुले आसमान के तले विकसित हुआ जो गाना है वो इस गीत में हम बार बार अनुभव लेते हैं। इसका 1983 की हीरो फिल्म का वो गाना, आनंद बख्शी साहब के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और बांसुरी और मैंडोलिन तथा अन्य साजों की सुंदरता इस गीत में बिल्कुल कूट कूट कर भरी है। मैं संपदा जी को आमंत्रित करती हूँ कि लंबी जुदाई आपके हमेशा की शैली में पेश करें।
बहुत ही जानदार और शानदार गीत श्रृंखला का आनंद उठाते हैं। नासिर हुसैन साहब 1970 के दशक में जब लंदन गए थे तो वहाँ टिफनी स्टोर में एक सेक्शन पूरा डिस्को का था और युवा पीढ़ी डिस्को का आनंद उठा रही थी। वो सब उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि अपने किसी फिल्म में इस तरह का कुछ संगीत इस्तेमाल करते हैं और एक के बजाय चार चार छोटे सॉन्गलेट्स इस्तेमाल करेंगे। अपनी आइडिया उन्होंने पंचमदा को जब बताई, पंचमदा से शेयर की, तो पंचमदा जी ने कहा कि एक पूरा गाना सुनने की आदत है हमारी ऑडियंस को, वो चार छोटे छोटे सॉन्गलेट्स कैसे उसको रिस्पॉन्स देंगे। तो नासिर हुसैन साहब अपने मत पर अड़िग थे, उन्होंने कहा कि पंचम हर नए तजुर्बे के लिए तैयार थे और आगे रेस्ट इज हिस्ट्री, वी कैन से हम किसी से कम नहीं, जिसमें आरडी रफ़ी, किशोरदा सबकी आवाज़ें हैं और मजरूर साहब के बोल, कंपटीशन मेडली। जाने बपा तुझते मैं फिर
भी है तेरे, दुनिया की बहारें तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए, हो हो कदमों में आ।
पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है 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 पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूंगा पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बेपर्दा न कर तू तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा पर्दा है मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम दे के तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं हाँ पर्दा नशे को बेपर्दा तो अकबर मेरा नाम नहीं है पर्दा है पर्दा ए पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा जाती है वाह 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 किसी को शर्म शर्म आती है
किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिल भर, यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर खफा हो के तेरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, हाँ पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूँ, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो आलोक तेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है we'll be right back.
अगला गाना, कुछ गीत हम बार बार सुनते हैं तो बिल्कुल गले लग जाते हैं, ये उसी तरह का गाना है। 1978 की फिल्म आज़ाद का गाना, फिर से एक बार आनंद बख्शी, आर डी बर्मन, किशोर कुमार, सैक्सोफोन, पियानो, यूकेलेले, रिदम के साथ ज़बरदस्त विस्लिंग। और एक थोड़ी रिसर्च वाली बात जो कह ही डालती हूँ कि फ्रैंक सिनात्रा का वो गाया नंबर है व्हेन आई वाज 17, इट वाज वेरी गुड ईयर। आप सुनते जाइए, आपको उसमें इस तर्ज के कुछ कण मिल ही जाएंगे। और बीटल्स का अ टेस्ट ऑफ हनी, इन दो तर्जों से प्रेरित, लेकिन आर डी बर्मन दा ने उसको बिल्कुल नया प्रारूप दिया है। आलोक जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू। राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू। जब तक ना हो जाए अपना दिल बेकाबू, राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू। जग में सुने
राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू थोड़ा सा डिटोर अगेन और फिर से एक बार हम राम लक्ष्मण संगीतकार राम लक्ष्मण तक जाते हैं और 1989 की वो शीर्ष और सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मैंने प्यार किया जहां से एसपी बाला सुब्रमण्यम सलमान की आवाज़ बन गए. द स्वीट लव स्टोरी दैट्स ओल्डर देन द सी ये लव स्टोरी का थीम सॉन्ग था और द फाइनल काउंटडाउन इन दो तर्जों से प्रेरित होकर राम लक्ष्मण जी की एक बहुत ही अमीर धुन जिसमें प्रील्यूड और इंटरल्यूड्स में सैक्सोफोन का सुनना बिल्कुल लाजमी है. आइए जिसके लिए तालियों की गूंज के साथ मैं समीर जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ. मेरे रंग में रंगने वाली परे हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो दो मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी मेरे सवालों का जवाब दो दो ना थकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे ओ बोलो न क्यों ये चांद सितारे थकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे छूके बदन को हवा क्यों महकी रात है क्यों बहकी बहकी मेरे सवालों का जवाब दो दूना Oh,
साथ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है? मेरे सवालों का जवाब दो दूल्हा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। देखिए बाबू भाई मिस्त्री की एक आम सी फिल्म थी, संगीतकार भी नए थे, लेकिन एंट्री में ही उन्होंने ऐसे छक्के मारे कि सुनने वाले हक्का बक्का रह गए। नृत्य गीत था, बहुत फास्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें थी। जो स्ट्रिंग्स का प्रिल्यूड था वो बहुत एनर्जेटिक था, ढोलक बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल से बजा था, एकॉर्डियन और बांसुरी और वॉयलिन इन सब की एक जुगलबंदी सी लग गई थी। बस मैं जिक्र कर रही हूँ पारसमणि 1963 की फिल्म का, फिर से एक बार LP लता जी, और लता जी ने उनके साथ गाया, ये पहला गीत था। और तार स्वर में लता जी गा रही है, बेस में वॉयलिन्स बज रही है, और ऑर्केस्ट्रेशन का कमाल, कितनी सारी बातें हैं। लेकिन चलिए लता जी और कमल बारोट का गाया ये गीत। हंसता हुआ
कि सात नायक सात नायिकाएं, तो उन्होंने हर गीत में ह्यूमन वॉइसेस का इस्तेमाल किया है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि वो एक स्पिरिट है, वो मैं गंवाना नहीं चाहती। और गुलशन बावरा जी को इन सब आवाज़ों के साथ गीत लिखना बिल्कुल गवारा नहीं लग रहा था, लेकिन पंचम दा ने उन्हें कहा कि गुलशन आप ही लिख सकते हो ऐसा गीत। और डमी बोल क्या दिए थे आपको मालूम है? रूप तेरा मस्ताना होगा जी। और उसके बाद में शक्ति कपूर जी से वो हाय बुलवा लिया है, ये सारी बातें हैं। तो हम प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आग ही लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। बुझा दो, अरे पुनीत भाई जरा बत्ती तो बुझा दो यार। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाले जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। Oh,
मजबूरी। अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी।
पुराना गाना था, संगीतकार थे रवि, फिल्म वचन का गाना था और उसके ओपनिंग बार से लक्ष्मी जी को एक धुन सूझी थी। तो जब जावेद अख्तर जी से वो गाना लिखवा रहे थे तो नंबर की भाषा में बोल रहे थे और वैसे ही गुनगुना रहे थे। जावेद साहब ने कहा कि मैं इसी नंबर से इस गीत को की शुरुआत करना चाहता हूँ, उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी बोले, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? वो बोले, मुझ पर छोड़ दीजिए, अटपटा सा बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, यू नो द हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 1988 की तेजाब। तो वहाँ तक आ रहे हैं हम, और अलका याज्ञिक का गाया वो आइकॉनिक गीत आपको सुनाने के लिए दीप्ति जी यहाँ पधारेगी। मोहिनी 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 हो 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 कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, हाय, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। Thank you.
दस ग्यारह चौदह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करूँ दिन गिन गिन के इंतजार आजा प्यारी बहार तेरा करूँ दिन गिन गिन के इंतजार आजा प्यारी बहार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जैसी हंसी मैंने देखी नहीं।
जमाना मैंने दिल में है ठाना मुझको उसे है अभी अपना बनाना तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम जो कभी हम मिले तो ज़माना देखेगा अपना प्यार तुम मेरे यार ओ मेरे यार तुझे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जान खलनायक वो फिल्म थी दोस्तों जहाँ से नायिका और वैम के बीच के फासले बिल्कुल कमज़ोर होते चले गए और आइटम नंबर जो वैम्स की जागीर थी नायिकाओं को भी अपनी सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी बन गए। मैं चोली के पीछे इस गीत का जिक्र करती हूँ जिसके लिए हमारी दोनों गायिकाएँ यहाँ तैयार हैं।
छोरी। आरडी दोनों ऐसे विषय हैं जो निरंतर चलते रहेंगे। एक ही फहरिस्त में इसे बांधकर रखना हम भी नहीं चाहते और आप भी नहीं। तो द ग्रेट गैम्बलर तक आ जाएंगे, दो लफ्ज़ों की दिल की कहानी। आशा नाम की भी तो दो लफ्ज़ों की दिल की कहानी है जो हमारे दिल में बसी है।
पर हम वफा कर ना सके, हम बेवफा दूसरे से